आदित्यनाथ की बहराइच और श्रावस्ती में चुनावी सभा को आज संबोधित करेंगे। योगी आज महसी विधानसभा के राजा बीजेपी प्रत्याशी सुरेश वर्सिंह चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद उनका श्रावस्ती जिले की बिनगा में चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो आज आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा आज बहराइच में भी उनकी चुनावी सभा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महसी विधानसभा के राजा बौड़ी में भाजपा प्रत्याशी सुरेश्वर सिंह के पक्ष में चुनावी सभा करने जा रहे हैं। कल्बे अब्बास हमारे संवाददाता ज्यादा लगातार चुनावी रैलियों का सिलसिला चल रहा है। अब नजर पूरी तरह से पांचवें चरण पर है और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो आज श्रावस्ती और राइच में गरजते हुए नजर आए। जी हाँ, चरण में यहाँ चुनाव हो रहा है। 27 तारीख को फरवरी को मतदान होना है और सारे पार्टी प्रचार में जोर पकड़ लिया। मंत्री योगी आदित्यनाथ महसी विधानसभा क्षेत्र के बाउंड्री में 11:55 पर पहुंचेंगे और 12 बजे के आसपास मंच पर आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश्वर सिंह है, इनके समर्थन में आ रहे हैं। तो इनके आने से लोगों में जो भाजपा कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री आज जनसभा को संबोधित करते हुए जनताओं करेंगे और ये माना जा रहा है कि इनके आने से और जनसभा को संबोधित करने से भाजपा और एकजुट होंगे। लोगों की खुशी है और लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। जी, इस बाद मुख्यमंत्री को श्रावस्ती जिले के भिनगा विधान में जाना है, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। और से पहले 22 तारीख को भी हमने देखा नरेंद्र मोदी भी बहराइच पहुंचे थे और जैसे कहा भी जाता है कि ब्रह्मा की धरती है बहराइच और यहाँ पर पार्टी पर उन्होंने सीधा प्रहार करते हुए नजर आए थे। विपक्ष के नेताओं पर भी उनका प्रहार आज देखना दिलचस्प रहेगा कि योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं माध्यम से, क्योंकि लगातार रैलियों के माध्यम से कोशिश तो यही की जा रही है कि केंद्र और राज्य स्तर पर जो कार्य किए जा रहे हैं जनता के लिए उनका जिक्र नेता कर रहे हैं, भी मंच से नजर आते हैं कल्बे। जी हाँ, सपा बसपा कांग्रेस पर प्रहार करते हुए भी दिखाई पड़ केंद्र सरकार आए हैं, जनता के लिए हैं और तो बात करते हैं उसका जिक्र है, इसका भी प्रभाव लोगों पर पड़ता है और इस तरह से जो है वो लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में और उन्होंने अब तक क्या किया है जनता के लिए वो सब भी बताते हैं। बिल्कुल, कल शुक्रिया आपका इन तमाम।